नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता को आजाद कराने के लिए, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अनगिनत राष्ट्र भक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। हंसते हंसते वह फांसी के फंदों पर झूल गए और हंसते हंसते युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। परंतु अपने जीते जीते भारत माता को किसी भी प्रकार से अपमानित नहीं होने दिया। और ऐसा ही एक नाम सामने आता है, वीरांगना रानी आवंतीबाई का। वीरांगना रानी आवंतीबाई जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर उपस्थित थे बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र भक्त, जिन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की। क्या कहा इस अवसर पर दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, आइए हम आपको शुरुआत। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरांगना रानी आवंतीबाई लोधी जयंती के शुभ अवसर पर सत सत नमन। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार सांसद दमोह लोकसभा क्षेत्र दमोह, निवेदक समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दमोह लोकसभा क्षेत्र। 1857 की क्रांति की अमर शहीद वीरांगना रानी आवंतीबाई की जन्म जयंती है। हम लोग प्रतिवर्ष के अनुसार समाज के लोग तो जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पुष्पांजलि करने के लिए आते हैं। बाकी समय में मेघावी छात्र छात्रा का कार्यक्रम होता था, क्योंकि कोरोना का संकट है, इतना से इस बार उसको स्किप किया है। खाली पुष्पांजलि का कार्यक्रम है। मैं अपनी तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से वीरांगना रानी आवंतीबाई के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज्ञात हो कि प्रति वर्ष यहाँ पर आयोजन होता है और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोग यहाँ पर राष्ट्र प्रेमी एकत्रित होते हैं। और दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद जब से उन्होंने दमोह में विजय श्री हासिल की है, लगातार वह यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं एक नए समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.